तस्वीरें भी काफी अहम हैं कि गाजा में कैसे रह रहकर वहां से गाजा बॉर्डर पर मिसाइल आती है और सायरन बजते हैं, दहशत का सायरन, तो उसके बाद से स्थिति क्या हो जाती है, ये आशीष सिंह दिखा रहे थे। हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं। एक सवाल उनसे भी इस वक्त में बनता है कि जब दो देश ऐसे जंग की स्थिति में पहुंच गए हों तो आखिरकार कौन कौन से वो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उसकी अर्थव्यवस्था को। देखिए, जब जंग छुटती है तो अर्थव्यवस्था को तो नुकसान होता ही है। इन्वेस्टमेंट आपकी जो एफडीआई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, वो बंद हो जाती है। ऑयल प्राइस, ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है और जो है जो आर्थिक गतिविधियां हैं जो भी वो सब एक तरीके से रुक जाती हैं, क्योंकि सारी फोकस जो है, पैसा जितना भी होता है सरकार के पास, उसकी सब फोकस आर्मी की तरफ चली जाती है, एम्यूनिशन की तरफ चली जाती है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि इसराइल में भी अभी एम्यूनिशन की कमी की बात हो रही है, तो उनकी सारी फोकस उधर चली जाती है और अर्थव्यवस्था केवल वो वार मशीनरी के लिए ही बन जाती है और आम आदमी के लिए उसमें उसको सबको परेशानी भुगतनी पड़ती है। शिपिंग भी अफेक्ट हो जाती है उससे, तो शिपिंग अफेक्ट होती है। इस पर आएंगे और चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि इजराइल के निवोत से ये बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की फोर्सेस ने तैनाती बढ़ा दी है। निवोत से एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजा पट्टी को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्रौस से तेल अवीव जाने वाले हाईवे के बिल्कुल किनारे, और हाईवे को बचाते हुए कैसे आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया गया है ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा छावनी में तब्दील हो चुका ये वो इलाका है जहाँ से गाजा पट्टी के लिए मूवमेंट होनी है, और सामने टैंक्स, आर्टिलरी वाहन, जेसीबीज के साथ टैंक्स को खड़े करने के लिए बनाई जा रही जगह, और जिस तरफ गाजा पट्टी का बॉर्डर और इलाका है उस तरफ देखिए किस तरह से बड़ी तैयारी इजराइल की चल रही है। ये खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर ग्राउंड जीरो से, और हाईवे तेल अवीव को जो जोड़ता है गाजा पट्टी के बॉर्डर के साथ साथ गुजरते हुए उसी के किनारे ये टैंक्स का बड़ा जमावड़ा किया गया है, और ये टैंक्स यहाँ बड़ी तादाद में तैनात किए जा रहे हैं। और उसके आगे देखिए जैसे टैंक्स के अंदर तमाम जवानों की तैनाती है, लेकिन ये वो इलाका है जिसकी एयर सर्वेलेंस की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से जब गाजा पे हमला बोला जाएगा तो यही वो बैकअप देने के लिए टैंक्स और फोर्सेस हैं जो सीधे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह की छावनियां जगह जगह गाजा बॉर्डर पर बना दी गई हैं और इंतज़ार किया जा रहा है गाजा में एंटर करने का। एक बड़ी बात आपको बता देते हैं, वो बड़ी बात ये है कि गाजा के उत्तरी इलाके में जो नॉर्थ गाजा है उसमें ज़्यादा दिक्कत है, और उसी नॉर्थ गाजा को खाली करवाने की कोशिश इजरायली फोर्सेस कर रही हैं, और ये कहा जा रहा है लोगों को कि आप साउथ में चले जाएं। अगर वो दक्षिणी हिस्से में चले जाते हैं गाजा के, तो उसके बाद जो एक ग्राउंड अटैक होता है इन टैंक्स के साथ जो है एंट्री की जाएगी, और एंटर करने के बाद पीछे पीछे से जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं वो पूरे इलाके को कवर करेंगी। तो ये वो पड़ाव है जहां से गाजा बॉर्डर की तरफ कूच होना है इजरायली सैनिकों को, और ये वो जगह है जहां पर तमाम फोर्सेस को जमा किया जा रहा है। अब कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस ना हो, या जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में और जितने तमाम रिफ्यूजी कैंप्स या मदद के लिए जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं दुनिया भर के लोगों के गाजा पट्टी के इलाके में, उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप इजिप्ट बॉर्डर से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स में लगे लोग उनके बॉर्डर से बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी विदेशी वहाँ मौजूद हैं, तो उनको वो रास्ता दे देंगे। और इसराइल ने तमाम पंफलेट गिराने शुरू कर दिए हैं, हवाई रास्ते से पंफलेट गिराए जा रहे हैं, और नॉर्थ गाजा के इलाके में जो लोग रहते हैं, जो उत्तरी इलाकों में रहते हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप इस इलाके को खाली कर दें तुरंत, क्योंकि दक्षिण की साइड अगर नहीं गए तो उत्तर के इलाके में हमास को मारने के लिए बड़ा इजरायली ऑपरेशन होगा, टैंक्स के साथ होगा, हवाई हमले किए जाएंगे, फिर जवान पूरे एरिया को कैप्चर करेंगे। उन तमाम चीजों से बचने के लिए गाजा पट्टी में बार बार ये अनाउंसमेंट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।